हेलो एस्पिरेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर्स क्विज में, जहां हम आपको प्रोवाइड करते हैं रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो एस्पिरेंट्स, आज है 15 सितंबर, देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक बार डेली शेड्यूल चेक कर लेते हैं कि आज हमें कौन कौन से टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर करना है। तो आज है फ्राइडे, सबसे पहले हमें देखना है इंडियन अफेयर्स एंड नेशनल न्यूज से रिलेटेड क्वेश्चन, उसके बाद कमिटी एंड मीटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, ऑबिचुअरी एंड मर्जर से रिलेटेड क्वेश्चंस। इसके अलावा ऐसा कोई टॉपिक है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और हम कवर नहीं करवा रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे इंस्टाग्राम पेज टॉप 25 करंट अफेयर्स क्विज पे डीएम कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल जो कि टॉप 25 डेली करंट अफेयर्स क्विज नाम से है। तो आज करंट अफेयर्स के रिविजन टेस्ट में सबसे पहले हमें इंडियन अफेयर्स एंड नेशनल न्यूज से रिलेटेड क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, विच इंडियन एजुकेशनल बॉडी रिसेंटली अटेंड डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेटस। हाल ही में किस भारतीय शैक्षणिक निकाय ने डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त किया है? ऑप्शंस है CBSE, AICTE, UGC या NCERT। तो हाल ही में NCERT ने, जो कि एक भारतीय शैक्षणिक निकाय है, उसने डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त किया है। ऑप्शन डी NCERT इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट इज द थीम फॉर द 6th राष्ट्रीय पोषण मैच सेलिब्रेटेड इन सितंबर 2023। सितंबर 2023 में मनाए जाने वाले 6th राष्ट्रीय पोषण मैच का विषय क्या है? ऑप्शन है मिशन न्यूट्रिशन 2.0, एम्पावरिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन, सुपोषित भारत, साक्षर भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत, माल न्यूट्रिशन इरेडिकेशन इनिशिएटिव। तो सितंबर 2023 में मनाए जाने वाले 6th राष्ट्रीय पोषण मैच का विषय है सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत। ऑप्शन सी इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल डिजाइन फॉर डिजास्टर रिलीफ। आपदा राहत के लिए डिजाइन किए गए भारत के पहले पोर्टेबल अस्पताल का नाम क्या है? ऑप्शन है रिलीफ हेल्थ हब, मेडी एड क्यूब, डिजास्टर केयर यूनिट या आरोग्य मैत्री क्यूब। तो आपदा राहत के लिए डिजाइन किए गए भारत के पहले पोर्टेबल अस्पताल का नाम है आरोग्य मैत्री क्यूब। ऑप्शन डी आरोग्य मैत्री क्यूब इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मालवीय मिशन लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा शुरू किए गए मालवीय मिशन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है टू प्रमोट टेक्निकल एजुकेशन इन यूनिवर्सिटीज, टू एस्टेब्लिश 111 एजुकेशनल सेंटर्स, टू इम्प्लीमेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 या टू ट्रेन 15 लाख टीचर्स इन इंडिया। तो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा शुरू किए गए मालवीय मिशन का उद्देश्य है टू ट्रेन 15 लाख टीचर्स इन इंडिया, भारत के 15 लाख शिक्षकों को ट्रेन करना। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, विच सर्टिफिकेशन हैज गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट रिसीव्ड रिसेंटली। हाल ही में गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कौन सा सर्टिफिकेशन मिला है? ऑप्शन है ISO 1002/2018, ISO 14001/2015, ISO 9001/2015 या ISO 1003/2017। तो हाल ही में गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ISO 1002/2018 सर्टिफिकेशन मिला है। ऑप्शन ए इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट डोमेस्टिकली बिल्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट रिसेंटली इनॉग्रेटेड एट काकरा पार, गुजरात। हाल ही में काकरा पार गुजरात में उद्घाटन किए गए भारत के सबसे बड़े घरेलू निर्मित परमाणु ऊर्जा संयंत्र की क्षमता क्या है? ऑप्शन है 500 मेगावाट, 900 मेगावाट, 220 मेगावाट या 700 मेगावाट। तो हाल ही में काकरा पार गुजरात में उद्घाटित किए गए भारत के सबसे बड़े घरेलू निर्मित परमाणु ऊर्जा संयंत्र की क्षमता 700 मेगावाट है। ऑप्शन डी 700 मेगावाट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ है,
व्हाट इज द नोटेबल अमाउंट दैट द नटराज स्टैचू इंस्टॉल्ड एट द G20 समिट वेन्यू इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन स्थल पर स्थापित नटराज की प्रतिमा के बारे में क्या उल्लेखनीय है? ऑप्शन है, इट वॉज स्कल्प्टेड इन तमिलनाडु, इट इज द वर्ल्ड टॉलेस्ट नटराज स्टैचू, इट्स वेट 10 tons, इट इज मेड ऑफ मार्बल। तो नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन स्थल पर स्थापित नटराज की प्रतिमा के बारे में यह उल्लेखनीय है कि वो विश्व का सबसे बड़ा नटराज स्टैचू है। ऑप्शन बी, इट इज द वर्ल्ड टॉलेस्ट नटराज स्टैचू इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट माइलस्टोन हैज द जल जीवन मिशन अचीव्ड रिसेंटली। हाल ही में जल जीवन मिशन ने कौन सी उपलब्धि हासिल की है? ऑप्शन है, इस्टेब्लिशिंग हेल्थ केयर सेंटर्स इन विलेजेस, कंस्ट्रक्टिंग न्यू रोड्स इन रूरल एरियाज, कनेक्टेड 13 करोड़ रूरल हाउसहोल्ड विद टैप वाटर, प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी टू रूरल हाउसहोल्ड्स। तो हाल ही में जल जीवन मिशन ने जो उपलब्धि हासिल की है वह है कनेक्टिंग 13 करोड़ रूरल हाउसहोल्ड विद टैप वाटर। ऑप्शन सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग टू कंस्ट्रक्ट इन द स्ट्रेटेजिक न्योमा बेल्ट ऑफ ईस्टर्न लद्दाख। सीमा सड़क संगठन पूर्वी लद्दाख के रणनीतिक न्योमा बेल्ट में क्या निर्माण करने की योजना बना रहा है? ऑप्शन है, अ डैम, एन एयरफील्ड, अ न्यू हाईवे, अ रेलवे स्टेशन। तो सीमा सड़क संगठन पूर्वी लद्दाख के रणनीतिक न्योमा बेल्ट में एक एयरफील्ड बनाने की योजना बना रहा है। ऑप्शन बी एन एयरफील्ड इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, रिसेंटली कॉमर्स मिनिस्ट्री हैज कमेंडेड एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑफ अप टू डैश ऑन इंपोर्ट ऑफ चाइनीज ग्लास यूज्ड इन होम अप्लायंसेस। हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय ने घरेलू उपकरणों में इस्तेमाल होने वाले चीनी ग्लास के आयात पर खाली स्थान तक के एंटी डंपिंग शुल्क की सराहना की है। ऑप्शन है, $240 पर टन, $233 पर टन, $223 पर टन या $213 पर टन। तो हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय ने घरेलू उपकरणों में इस्तेमाल होने वाले चीनी ग्लास के आयात पर $243 पर टन तक की एंटी डंपिंग शुल्क की सराहना की है। ऑप्शन ए $243 पर टन इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच कंपनी हैज डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट AI पावर्ड एंटी ड्रोन सिस्टम। किस कंपनी ने भारत का पहला AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया है? ऑप्शन है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, HAL, DRDO या ग्रेन रोबोटिक्स। तो हाल ही में ग्रेन रोबोटिक्स ने भारत का पहला AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया है। ऑप्शन डी ग्रेन रोबोटिक्स इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, वॉट इज अप्रूव्ड एलोकेशन फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम IDS 2017 इन हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में औद्योगिक विकास योजना 2017 के लिए स्वीकृत आवंटन क्या है? ऑप्शन है, 2000 करोड़, 1000 करोड़, 131.90 करोड़ या 1164.53 करोड़। तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में औद्योगिक विकास योजना 2017 के लिए स्वीकृत आवंटन है 1164.53 करोड़। ऑप्शन डी 1164.53 करोड़ इज द आंसर। अब कमिटी एंड मीटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हु चेयर्स द 8-member कमिटी फॉर्म्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट टू एक्सप्लोर वन नेशन वन इलेक्शन। एक राष्ट्र एक चुनाव पर विचार करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित 8-सदस्यीय समिति की अध्यक्षता कौन कर रहा है? ऑप्शन है, रामनाथ कोविंद, प्रणब सेन, नीरज प्रभाकर या गीता मित्तल। तो एक राष्ट्र एक चुनाव पर विचार करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित 8-सदस्यीय समिति की अध्यक्षता रामनाथ कोविंद कर रहे हैं। ऑप्शन ए रामनाथ कोविंद इज द आंसर। अब ऑबिचुरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, Who was the director of the Special Protection Group responsible for the Prime Minister's protection before his passing? विशेष सुरक्षा समूह के निदेशक कौन थे
जो उनके निधन से पहले प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार थे। ऑप्शन है सुनील वर्मा, राजेश सिंह, अरुण कुमार सिन्हा या एके शर्मा। तो विशेष सुरक्षा समूह के निदेशक अरुण कुमार सिन्हा थे जो उनके निधन से पहले प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार थे। ऑप्शन सी अरुण कुमार सिन्हा इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, फॉर्मर जिम्बाब्वे कैप्टन हीथ स्ट्रिक नॉन फॉर हिज क्रिकेट करियर रिसेंटली पास्ड अवे, हाउ मेनी टेस्ट एंड ओडीआई डिड ही प्ले। अपने क्रिकेट करियर के लिए जाने जाने वाले जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान हीथ स्ट्रिक का हाल ही में निधन हो गया, उन्होंने कितने टेस्ट और वनडे खेले। ऑप्शन से 70 टेस्ट एंड 175 ओडीआईज, 80 टेस्ट एंड 200 ओडीआईज, 65 टेस्ट एंड 189 ओडीआईज, 50 टेस्ट एंड 150 ओडीआईज। तो अपने क्रिकेट करियर के लिए जाने जाने वाले जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान हीट स्ट्रिक का जिनका हाल ही में निधन हो गया, उन्होंने 65 टेस्ट एंड 189 ओडीआईज खेले थे। ऑप्शन सी 65 टेस्ट एंड 189 ओडीआईज इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, एल वालरमथी पास्ड अवे एट द एज ऑफ 64, शी वॉज अ डैश। एन वालरमथी का 64 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह एक खालिस्तान थी। ऑप्शन है साइंटिस्ट, डॉक्टर, डांसर या राइटर। तो एन वालरमथी जिनका 64 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह एक साइंटिस्ट थी। ऑप्शन ए साइंटिस्ट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच फॉर्मर नेदरलैंड्स गोलकीपर प्लेड इन 2 फीफा वर्ल्ड कप फाइनल एंड रिसेंटली पास्ड अवे। नीदरलैंड के किस पूर्व गोलकीपर ने 2 फीफा विश्व कप का फाइनल खेले थे और हाल ही में उनका निधन हो गया। ऑप्शन है फर्नैंडो मस्लेरा, एलिसन बेकर, मैनुअल नुएर या जैन जोंगब्लॉइड। तो नीदरलैंड के जैन जोंगब्लॉइड जो कि पूर्व गोलकीपर थे और उन्होंने 2 फीफा विश्व कप फाइनल खेले थे, हाल ही में उनका निधन हो गया है। जैन जोंगब्लॉइड इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, अब मर्जर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। विच रेगुलेटरी बॉडी अप्रूव्ड द मर्जर ऑफ टाटा SIA एयरलाइंस इनटू एयर इंडिया। किस नियामक संस्था ने टाटा SIA एयरलाइंस के एयर इंडिया में विलय को मंजूरी दी। ऑप्शन है नीति आयोग, सेबी, RBI या CCI। तो CCI संस्था ने टाटा SIA एयरलाइंस के एयर इंडिया में विलय को मंजूरी दी है। ऑप्शन डी CCI इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच कंपनी रिसेंटली एक्वायर्ड डेंसके बैंक्स IT सेंटर इन इंडिया। हाल ही में किस कंपनी ने भारत में डेंसके बैंक के IT सेंटर का अधिग्रहण किया है। ऑप्शन है HCL टेक्नोलॉजीज, इंफोसिस, विप्रो या TCS। तो हाल ही में इंफोसिस ने भारत में डेंसके बैंक के IT सेंटर का अधिग्रहण किया है। ऑप्शन बी इंफोसिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 रहेगा, हु हैज रिसीव्ड अप्रूवल फॉर एक्वायरिंग शेयर्स इन ब्रिलियो होल्डिंग्स बाय द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा ब्रिलियो होल्डिंग्स INC में शेयर प्राप्त करने के लिए किसे मंजूरी मिली है। ऑप्शन है हल्दीराम्स ग्रुप, टाटा SIA एयरलाइंस, विस्तार या ऑरिजन ब्रूनिसन LP। तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा ब्रिलियो होल्डिंग्स INC में शेयर प्राप्त करने के लिए ऑरिजन ब्रूनिसन LP को मंजूरी मिली है। ऑप्शन डी ऑरिजन ब्रूनिसन LP इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, एजुकेशन मिनिस्ट्री ज्वाइंट हैंड्स विद डैश फॉर डिजिटल स्किलिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन सितंबर 2023। शिक्षा मंत्रालय ने सितंबर 2023 में डिजिटल स्किलिंग और उद्यमिता के लिए खालिस्तान के साथ हाथ मिलाया। ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट के साथ, IBM के साथ, मेटा के साथ या गूगल के साथ। तो शिक्षा मंत्रालय ने सितंबर 2023 में डिजिटल स्किलिंग और उद्यमिता के लिए मेटा के साथ हाथ मिलाया। ऑप्शन सी मेटा इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है,
विच ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेटेड विद NPCI टू डेवलप हिंदी एंड इंग्लिश पेमेंट लैंग्वेज मॉडल्स फॉर हेलो UPI? किस संगठन ने हेलो UPI के लिए हिंदी और अंग्रेजी भुगतान भाषा मॉडल विकसित करने के लिए NPCI के साथ सहयोग किया? ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, Amazon या भाषिनी प्रोग्राम एंड A14 भारत एट IIT मद्रास। तो हाल ही में भाषिनी प्रोग्राम एंड A14 भारत एट IIT मद्रास ने हेलो UPI के लिए हिंदी और अंग्रेजी भुगतान भाषा मॉडल विकसित करने के लिए NPCI के साथ सहयोग किया। ऑप्शन डी, भाषिनी प्रोग्राम A14 एट IIT मद्रास इज द आंसर। तो ये लास्ट वीक के जो भी गिवन टॉपिक्स हैं आज के लिए, उन सभी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो आज के करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने आपको कवर करवा दिए हैं। आप जहां भी अपने करंट अफेयर्स की क्लासेस लेते हैं, लेते रहिए, यहां आप कर सकते हैं डेली बेसिस पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में टॉप 25 क्वेश्चंस के साथ।